हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आ गए थे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट उम्मीद है आपने देखा होगा और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। सेकंड पार्ट में जब हम आते हैं तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि ये वीडियो लेक्चर बनाने के पीछे मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जब हम नीट के लिए बायो की प्रिपरेशन करते हैं तो ये मान के चलिए कि 95% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। और हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इधर उधर की बुक्स को देखते हैं और बुक्स में बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको पढ़ के हम बड़ा मोटिवेट होते हैं कि हमने कुछ नया पढ़ा। नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी उन सभी बच्चों से ये एडवाइस है कि बेटा आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। और इसीलिए अपने इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी को ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे ना तो नीट में अगर हम बायो की बात करें तो 180 में से लगभग 174 या 175 क्वेश्चंस तक हम सॉरी 90 में से लगभग 85 क्वेश्चंस तक हम इसमें कवर कर सकते हैं। 84-85 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इधर उधर की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखो। लेस इज़ मोर, ठीक है। जितना कम पढ़ोगे और उसको जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे वही आपको बेनिफिट देगा। तो यहाँ पर हमें पढ़ना केवल एनसीईआरटी है। हाँ, क्वेश्चंस हम करेंगे जो वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही करें और इसीलिए ऐसी बुक को रेफ़र करें जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हो, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट में, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा हमने बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यूरोजेनाइटल सिस्टम कह रहे थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टोटली डिफरेंट है। इसमें यूरिनल सिस्टम अलग है, उसका पैसेज अलग है, उसकी ओपनिंग अलग है, और जेनाइटल सिस्टम का पैसेज और उसकी ओपनिंग टोटली अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ही काम करता है, इस बात को याद रखें। उसका यूरिनल डिस्चार्ज या यूरिन के ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें ओवरीज पाई जाती हैं वन पेयर, जो इनका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने बता दिया था। और इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है, ओविडक्ट जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। दे ओनली हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ठीक है। गैमेट के ट्रांसपोर्ट में, उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये सारे सब जो ऑर्गन है ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, फीमेल के पेल्विक रीजन में, ठीक है। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओविलेशन। तो इसी में इन्हीं सब से एक और ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड रिलेटेड पाया जाता है और ये मेमोरी ग्लैंड सपोर्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। इसका डायरेक्टली रोल रिप्रोडक्शन में तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ये कई चीज़ों में सपोर्ट करता है, जिसमें कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, इन सारे प्रोसेसेस में ये सपोर्ट करता है। कौन? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बात करें तो आगे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेमोरी ग्लैंड सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम देख लें, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो है फीमेल पेल्विस का डायग्राम है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई क्लियरली नहीं देता। ये सजाइटल सेक्शन, सजाइटल सेक्शन सेक्शनल व्यू, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि दो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ एब्डोमेन, ऑन द लेफ्ट एंड ऑन राइट साइड, ठीक है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं।
एंटीरियर लोअर एब्डोमेन, ये बात याद रखना। साथ ही ये एब्डोमेन की वॉल से अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ, ये दो टिश्यू दिख रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट इनको अटैच रखता है, तो ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। अब बात ये है कि ओवरी से ही एक ट्यूब जो है कनेक्ट होती हुई पाई जाती है, और इस ट्यूब से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकले होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रिय कहते हैं। ये फिम्ब्रिय जो है ये ओवरी की तरफ होते हैं, ठीक है, और ओवरी की तरफ होते हैं, और इनमें पोर्स भी मिलते हैं। याद रखना है, पोर्स को ऑस्टियम कहा जाता है, वो आगे कहीं आएगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहा जाता है, एंड इट इज लाइंड बाई, याद रखना, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम, ठीक है, इस बात को याद रखना, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम लाइन करता है किसको, फेलोपियन ट्यूब को, यानी इसकी जो इनर लेयर है, इनर लाइनिंग है, वो इस एपिथीलियम की बनी होती है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, और इसके तीन पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। जो सबसे ओवरी की तरफ जो पार्ट है वो है इन्फंडिबुलम, उससे दूर है एम्पुला और उससे दूर है इस्थमस, ठीक है, ये याद रखना। दो फेलोपियन ट्यूब है, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों ओपन होती हैं यूटेराइन कैविटी में, दोनों की ओपनिंग सेपरेट है, दोनों ओपन होती हैं यूटेराइन कैविटी में। यूटेराइन कैविटी की बात करें तो इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है यूटेराइन कैविटी, इसकी वॉल जो यूटरस की वॉल, सॉरी यूटरस का स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पियर लाइक होता है, उसके अंदर कैविटी जो होती है जिसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं। इसके रूफ को फंडस कहा जाता है या यूटेराइन फंडस कहते हैं। यूटरस की वॉल की बात करें तो इसकी वॉल में तीन लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर, मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर जो इसमें प्रेजेंट होती है, यानी इसकी वॉल में भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ये मैं जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये मसल्स मान लीजिए हैं स्मूथ मसल्स इसमें, और एंडोमेट्रियम जो है सबसे इनर लेयर है। एंडोमेट्रियम में इनवर्ड फोल्ड भी पाए जाते हैं और इन फोल्ड्स को विलाई कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एंडोमेट्रियल फोल्ड हमें मिलते हैं, इन फोल्ड को भी हम विलाई कहते हैं। ये इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब अर्ली एम्ब्रियो अटैच होगा तो उसे इम्प्लांटेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? एंडोमेट्रियम। इसकी लोअर ओपनिंग जो है लोअर ओपनिंग में एक जो है कैनाल पाई जाती है, उस कैनाल को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, लोअर पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है, ओपनिंग जो होती है उसे वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। तो ये एक बेसिक डायग्राम है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आते हैं वो हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे फेलोपियन ट्यूब के बारे में, एम्पुला के बारे में, इस्थमस के बारे में या फिम्ब्रिय के बारे में, तो वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप याद रखना कि हमने ये स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ा था, ठीक है, ये हमें याद रखना। साथ ही हम अगर ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर याद रखना, ये जो है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है पेल्विस का, जिसमें जो पार्ट्स हमें याद रखने हैं वो है कि सबसे पहले तो जनरल पार्ट की बात कर ले, यूटरस भाई किडनी से, यूटरस जो है जो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए जो इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर हमने बताया था यूटरस, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें किडनी से यूरिन आता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस हमारी जो प्यूबिक बोन है उस बोन का जो जॉइंट है उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग, फिर आता है क्लिटोरिस। ये जो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं क्लिटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वेजाइनल ओरिफाइस, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं।
तो याद रखिएगा, क्लिटोरिस पाया जाता है लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा एंड वेजाइनल ओरिफाइस। ये एग्जैक्टली होते क्या है जब हम आगे इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें वो बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज़रा आगे बढ़ते हैं इसमें। सो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट। तो फीमेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, जो फीमेल गैमेट या ओवम सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। मैं ओवम को अंडरलाइन कर रहा हूँ और स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एनसीईआरटी ने ही आगे डिस्कस किया है। ठीक है, एंड सेवरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। स्टेरॉयड हॉर्मोन्स हम बात कर रहे हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स की, और ओवेरियन हॉर्मोन्स मेनली दो तरह के होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। इन दोनों को फीमेल हार्मोन कहा जाता है। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ओवरी लोकेटेड होती है लोअर एब्डोमेन में, ईच साइड यानी लेफ्ट और राइट। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पाई जाती है, एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटरस बाई लिगामेंट। तो लिगामेंट होते हैं जो इन ओवरी को पेल्विक वॉल से और यूटरस से अटैच रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहती है। ईच ओवरी कवर्ड बाई ए थिन एपिथीलियल, थिन एपिथीलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। इसकी एक पतली सी एपिथीलियल माने कवरिंग पाई जाती है, और उसके अंदर का जो मैट्रिक्स पार्ट है उस मैट्रिक्स पार्ट को ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू टू जोन। ओवरी की, अब हम आ रहे हैं ओवरी के स्ट्रक्चर की, तो इसका जो मैट्रिक्स है दो जोन में डिवाइड है, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले पार्ट को मेडुला। ये कैसे समझ में आएगा? ये हमें तब समझ में आएगा जब हम ओवरी का डायग्राम देखेंगे। और खुशी की बात ये है कि ये रहा ओवरी का डायग्राम जो आगे बना हुआ है। तो यहाँ पे इसकी एपिथीलियल से उसके अंदर ये जो एम्प्टी पार्ट दिख रहा है इसे कह रहे हैं हम स्ट्रोमा, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कह रहे हैं, और पेरिफेरल पार्ट को हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं, और इनर पार्ट को हम मेडुला कह रहे हैं। ठीक है, साथ ही ब्लड वेसल्स भी आती हैं और ब्लड वेसल्स भी ओवरी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, आलमंड शेप स्ट्रक्चर इसका माना जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक इरेगुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट आता है पॉइंट की ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब को लेकर। सो द ओविडक्ट, या इसी को हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूटरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। इन तीनों को मिलाकर फीमेल एसेसरी डक्ट कहा जाता है। तो याद रखना, तीन ऑर्गन, एक ओविडक्ट, दूसरा यूटरस और तीसरा वेजाइना, इन तीनों को मिलाकर हम एसेसरी डक्ट कह रहे हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस। तो ओवरी से यूटरस की तरफ एक्सटेंड होता है। द पार्ट क्लोजर, याद रखना, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो ओवरी के पास है, इसलिए मैंने वन लिखा था, इज फनल शेप, फनल शेप नोन एज इन्फंडिबुलम। द एज ऑफ इन्फंडिबुलम पोजेस अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, याद रखना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिए, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ये किसके बारे में कह रहा है? फिम्ब्रिए के बारे में, क्योंकि फिम्ब्रिए ही कलेक्ट करता है ओवम को। द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर
पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एज एम्पुला, ये बात आ जाती है किसके बारे में, एम्पुला के बारे में, कि वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज नोन एज एम्पुला। ये सारे पॉइंट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस बनते हैं। ये द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस, सबसे नैरो पार्ट और सबसे लास्ट पार्ट है इस्थमस, और इस्थमस ही ज्वाइन करता है किसको, यूटरस को। ध्यान में रहेगा मैंने जो बातें अभी डायग्राम में बताई, यहाँ पर वही पॉइंट लिखे हुए हैं। द यूटरस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉम्ब। यूटरस सिंगल होता है और इसे वॉम्ब भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूटरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, तो यूटरस जो है इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट अटैच टू द पेल्विस वॉल। द यूटरस ओपन्स इन वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बहुत ज़्यादा। कि बर्थ कैनाल किसे कहा जाता है, बर्थ कैनाल ये बना होता है किसका, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिला के बनता है बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूटरस हैज थ्री लेयर ऑफ द टिश्यू। यूटरस की वॉल के तीन लेयर पाए जाते हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीमेट्रियम, तो एक्सटर्नल जो है थिन मेम्ब्रेन होती है पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर सबसे थिक होती है जिसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। एंड मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम दैट लाइन द यूटराइन कैविटी। लाइन द यूटराइन कैविटी यानी यूटराइन कैविटी को सबसे इनर लेयर ही सराउंड करती है। लाइन का मतलब उसको सराउंड करना। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल इन मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। दोनों का इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिया है। एंडोमेट्रियम जो लेयर है इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इसकी थिकनेस जो है बढ़ती घटती रहती है, एक पर्टिकुलर जो है टाइम में इसकी थिकनेस बढ़ती है और एक पर्टिकुलर टाइम में कम होती है। और साथ ही मायोमेट्रियम जो मसल्स है, मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को ही पार्चुरेशन कहा जाता है जिसमें लेबर ट्रिगर होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, दोनों लेयर में अलग अलग चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, तो फीमेल जो जेनिटेलिया है यानी फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइना माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ये पांच यानी एक दो तीन चार और पांच जो है ये ऑर्गन मिलके एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं किसका, फीमेल का। इसको याद रखेंगे, पांच ऑर्गन। ठीक है, पांच ऑर्गन मिलके बनाते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है भाई, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बाहर से अगर हम बात करें तो उस पर एक कुशन और फैटी टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है। मॉन्स प्यूबिस से कुशन और फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा आर फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। मतलब फ्लेशी फोल्ड होते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, तो
टू पेयर ऑफ फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जो सबसे बाहर होते हैं वो बड़े फोल्ड होते हैं, उन्हें लेबिया मेजोरा कहा जाता है, और अंदर की तरफ स्मॉलर फोल्ड होते हैं उन्हें लेबिया माइनोरा कहा जाता है। सो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, यानी लेबिया मेजोरा के अंदर इनर साइड पे। दोनों ही लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा सराउंड करते हैं किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमेन। तो एक जो है मेम्ब्रेन भी इसको कवर करती है जिसे हाइमेन कहते हैं। द क्लिटोरिस, अब क्या है कि जो दोनों लेबिया मेजोरा है ऊपर की तरफ जहाँ ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और पाया जाता है जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होती हैं जहाँ दोनों फ्यूज़ करते हैं। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस इंटरकोर्स। अब ये एक पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्लिटोरिस के बारे में डिस्कस करें। इट इज़ वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज़ होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल। ये बात याद रखिएगा, मेल के पेनिस पार्ट के होमोलॉगस है क्लाइटोरिस, ठीक है। दूसरी बात आती है, हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस इंटरकोर्स, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए एक पॉइंट लिखा, हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जोल्ट इंसर्शन ऑफ वेजाइलल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। जनरली एक मिथ बना हुआ है कि हाइमेन मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वर्जिनिटी एंड ब्रेकडाउन ऑफ दिस मेम्ब्रेन शोज लॉस ऑफ वर्जिनिटी, लेकिन ये टोटली एक मिथ है और रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। जनरली दिस मेम्ब्रेन टॉर्न ड्यूरिंग, ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स कॉइटस के समय, कॉपुलेशन के समय, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली रीजन फॉर रप्चर ऑफ दिस मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर कोई एथलेटिक्स में है और वो लॉन्ग जंप या साइकिलिंग या हॉर्स राइडिंग करता है एंड ऑल्सो बाई यूज ऑफ टैम्पन्स, दिस मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो गेट रप्चर। सो रप्चर ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस का, ये कोई भी कहीं से कहीं तक रिलायबल जो है इंडिकेटर या प्रूफ नहीं होता, ठीक है। सो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और जो पॉइंट्स मैंने बोले उनको आप ध्यान में रखिएगा, उन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनता है। सो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा जिसमें हम मेमोरी ग्लैंड को डिस्कस करके हम आगे गैमेटोजेनेसिस की तरफ चलेंगे और फर्दर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो मोस्ट वेलकम है आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।